हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन। इसको हम एक स्टेटमेंट के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि स्कूल रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स स्कूल। ये स्टेटमेंट आपने कई बार सुनी होगी, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्कूल है वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, और सोसाइटी जो है वो स्कूल को रिफ्लेक्ट करती है। यानी ये दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है। और जो स्कूल के अंदर बेसिक क्या प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के थ्रू हम बच्चों में एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं। तो इट मीन्स जो एजुकेशन है उसका सीधा जो है वो रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के साथ। तो ये रिलेशनशिप किस तरह होता है, क्या क्या फैक्टर्स जो है इस पर डिपेंड करते हैं, और इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम बोल सकते हैं जो एजुकेशन है, सोसाइटी है, दे म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर। बिकॉज विदाउट एजुकेशन हाउ वी कैन बिल्ड एन आइडियल सोसाइटी, एंड विदाउट सोसाइटी हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम सिस्टमैटिकली। दैट मीन्स बोथ आर नीडेड टू अंडरस्टैंड। एजुकेशन हैज इंडिविजुअल टू लर्न हाउ टू लिव, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन लाइफ। सो इट इज़ एन एजेंट विच ब्रिंग्स चेंज इन सोसाइटी। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रो हुआ। आगे हम देखें तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी क्या है। सोसाइटी अगर आपको याद आता है, कोई वर्ड आपको बोला गया कि सोसाइटी, उससे एकदम से याद आता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, और उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट इकोनॉमिक आस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर वो एक कॉमन इंटरेस्ट भी शेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की सोसाइटी होती है। कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पर कॉमन सिस्टम ऑफ कस्टम्स, वैल्यूज, लॉज होते हैं, और कुछ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो है मिलकर एक रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं और उनकी सोसाइटी बन जाती है। तो सोसाइटी के अंदर जैसे आप एक वॉल को देखते हो, तो वॉल कैसे बनती है, ईंटों से बनती है। एक एक जो है वो यूनिट से कंप्लीट होती है एक वॉल, एक एक ईंट उसमें लगाई जाती है, फिर वो वॉल कंप्लीट होती है। इसी तरह एक सोसाइटी को आप देखते हो तो उसमें इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कोऑपरेशन होता है। उस इंडिविजुअल से कई सारे ह्यूमन बीइंग्स जब जुड़ते हैं तो वो एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, काफ़ी चीज़ों में वो डिफरेंट हो सकते हैं। और सोसाइटी के अंदर क्या है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्राई करते हैं समझने का दूसरे के थिंकिंग स्टाइल को, उसके बिहेवियर पैटर्न को, और रियलाइज़ करते हैं कि हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत लोग एक दूसरे से सोसाइटी के अंदर रह के काफ़ी चीज़ें, वैल्यूज़, ये सब सीखते हैं। तो इसको हम वेब ऑफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं कि एक रिलेशनशिप जो है वो लोग आपस में बिल्ड करते हैं। किसी के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप होता है, किसी के साथ अच्छा नहीं होता, किसी के साथ बहुत गहरा होता है, तो किसी को बस ये है कि सोसाइटी के अंदर है तो थोड़ी बहुत जान पहचान है। इस तरह एक रिलेशनशिप को ये फॉर्म करता है। तो एक जो इंडिविजुअल मेंबर होता है सोसाइटी का, वो एक सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, अदर सोसाइटी का भी मेंबर हो सकता है। तो जैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कुछ, जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन यानी जो सोसाइटी है वो कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स, रूल्स जो है वो ह्यूमन की बहुत सारी एस्पेक्ट को देखकर इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको जो सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं वो उसको फॉलो करते हैं प्रॉपर, जिससे कि सोसाइटी की फंक्शनिंग हो पाए और सोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो। तो इस तरह एक सोसाइटी चलती है। अब हम देखें सोसाइटी कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक किन किन बेसिस पर एक सोसाइटी फॉर्म हो सकती है। अब हम देखें जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, सोशल चेंज, आइडियल सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के कंपोनेंट में आती है। जैसे कोई रिटायर्ड एयरफोर्स वाला कोई पर्सन है तो वो सोसाइटी बिल्ड करता है उन लोगों के साथ जो रिटायर्ड है एयरफोर्स में या किसी आर्मी लाइन से, तो उनका एक शेयर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो जाता है। उन्हें बात करनी होती है आर्मी से रिलेटेड, अपनी पुरानी बातें याद करनी होती है, तो वो शेयर हो जाता है और उनका बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो वो मिलकर एक सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और ऐसे एक सोसाइटी बिल्ड हो सकती है। तो यहीं पे मीनिंग ऑफ सोसाइटी का हमने यही मतलब देखा। और जो सोशल सिस्टम है वो जो है वो डिफरेंट जो पार्ट है उनको कंसिस्ट करके चलता है, वो एक दूसरे से काफ़ी इंटररिलेटेड होते हैं। और हमें अगर परफॉर्म करने हैं एक सोसाइटी के सारे फंक्शंस, तो उसके लिए काफ़ी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हमें बनाना होता है। तो 5 मेजर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर आइडेंटिफाइड, लाइक फैमिलियल इंस्टीट्यूशन वो हो सकते हैं, फैमिलीज रहती हुए साथ साथ, रिलीजियस हो सकते हैं, एक रिलीजन के लोग हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक इलाइट ग्रुप के लोग, उनकी अलग सोसाइटी है, पुअर है उनकी अलग सोसाइटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो इस तरह ये 5 मेजर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके थ्रू एक सोसाइटी जो है वो बनती है। दीज इंस्टीट्यूशन फॉर्म सब सिस्टम विद इन सोशल सिस्टम और लार्जर सोसाइटी के अंदर ये सब सिस्टम को फॉर्म करते हैं।
आगे हम देखें, क्योंकि हम सोसाइटी और एजुकेशन का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आई थिंक हमें जानना होगा डीप में कि एजुकेशन क्या होता है। अभी हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, तो एजुकेशन भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि बर्थ से लेकर बच्चे की डेथ तक, मतलब फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, ये बोला जाता है एजुकेशन के बारे में, तब तक जो है वो चलती रहती है। और ये जो है एक इंडिविजुअल को सिविलाइज्ड बनाती है, रिफाइंड बनाती है, कल्चर्ड बनाती है, एजुकेटेड बनाती है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है। अल्टीमेट जो गोल होता है एजुकेशन का यही होता है कि जो बच्चा है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने और वो खुद से अपनी लाइफ को सेल्फ अर्निंग करके जो है वो अपनी लाइफ आसानी से जी सके, उसके पास इतनी स्किल्स हो। ये एजुकेशन का अल्टीमेट गोल होता है। तो एजुकेशन को हम अगर दूसरे वर्ड्स में गए तो ये अवेयरनेस है टुवर्ड्स सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हर चीज़ के बारे में हमें पता हो, हम जानते हो। और अगर इटामोलॉजिकल यानी इसके शाब्दिक अर्थ पर जाए तो एजुकेशन जो है वो टू लैटिन वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, टू लैटिन वर्ड से मिली है, एडुकेयर एडुसीर। तो एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, और एडुसीयर टू लेड आउट और टू ड्राउट, बच्चे के अंदर जितनी भी उसकी इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाहर निकालना, यही एजुकेशन का मेन जो है वो मोटो होता है। क्योंकि बोला जाता है कि बच्चों के अंदर काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ उनके पास होता है, बस टीचर अगर एज अ फैसिलेटर वर्क करे तो खुद ही वो चीज़ें बाहर आके जो है वो बाहर आ जाती है, खुद ही बच्चे अपनी नॉलेज को भी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड जो शिक्षा है, जिसको हिंदी में एजुकेशन को शिक्षा बोलते हैं, तो ये भी संस्कृत वर्ड शस से आई है, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच, सब कुछ रिलेटेड है एजुकेशन से। तो अब हम जैसे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और सोसाइटी देखें तो इसको हमें पता ही है कि दोनों इंटररिलेटेड है। तो लेट मी टेल यू एन एग्जांपल कि पहले के टाइम पर क्या होता था, जैसे आर्ट फॉर्म, मार्शल आर्ट, फार्मिंग, कुकिंग, डांसिंग, इन सब को भी एज ए एजुकेशन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि जो सोसाइटी को स्किल की नीड थी। बट आजकल के टाइम में पता नहीं क्यों ये सिचुएशन चेंज होती जा रही है, आजकल जैसे डांस है, म्यूज़िक है और कोई आर्ट फॉर्म है, उनको एज ए एजुकेशन कंसिडर नहीं किया जाता। सिर्फ जो चीज़ें हम सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं या गिवन टाइम में पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को जो है हम एजुकेशन समझते हैं, जो गिवन टाइम में और गिवन सिलेबस में कंप्लीट हो, और वी डोंट केयर अबाउट द नॉलेज और उस नॉलेज का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो ये काफ़ी एक रोस्ट पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, बट यही आजकल चल रहा है, एजुकेशन का इतना ही मीनिंग हो गया है। अकॉर्डिंग टू मी एनी डे एजुकेशन इज समथिंग दैट इक्विप्स मैन विद द नेसेसरी थिंग दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हिम टू लाइफ इज विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊँ तो एजुकेशन वही है, अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि एक मैन को प्रॉपर स्किल्स मिले, वो इतना इक्विप्ड हो, इतना एबल हो कि वो खुद की जो लाइफ है वो आसानी से जी सके, खुद से जो है वो अपनी स्किल्स से पैसे कमा सके और जी सके विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन। आगे देखें तो सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है एजुकेशन पर। तो सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो सोसाइटी का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है इसके सोशल कल्चरल फैक्टर से। तो जो प्रोसेस होता है एजुकेशन का इवॉल्व करता है विद सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नॉर्म्स, वैल्यू सिस्टम। तो स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन सोसाइटी का, जहाँ पर हम जो एग्जिस्टिंग कल्चरल कंटेंट है कि इस कल्चर में के अंदर जो चलता आ रहा है वो जनरेशन टू जनरेट ट्रांसफ़र किया जाता है एजुकेशन के थ्रू, स्कूल के अंदर यही प्रोसेस चलता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन, तो हमें जो है वो ट्रांसमिट करने की नीड है बायसनेस को, डिफरेंसेस को, हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं लाइक हायरार्की, स्ट्रेटिफिकेशन, इनहेरिएंट इनइक्वालिटी, जो कि बहुत गलत है और ये जो है वो चीज़ें चली आ रही। तो हमें ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि ये गलत है ये चीज़ें, लाइक डोमिनेंस ऑफ इलाइट कल्चर, जेंडर डिस्पैरिटी और बहुत सारे सोशल कल्चर फीचर्स, ये भी ट्रांसफ़र किए जाए यंगर जनरेशन में, और उनको इनके नेगेटिव आस्पेक्ट के बारे में बताया जाए कि इनके कितने नेगेटिव आस्पेक्ट हैं। अगर हम इनको सिर्फ सोसाइटी के थ्रू उनके अंदर ये कल्चर आएंगे तो ये हार्म कर सकते हैं एजुकेशन की, इस सेंस को एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट अगर हम एजुकेशन के थ्रू इनके बारे में बताएं और साथ में इनके नेगेटिव आस्पेक्ट हर चीज़ के बारे में बताएं तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो सिर्फ अगर सोसाइटी अपना काम करेगी तो ये काफ़ी बैड इफेक्ट होगा एजुकेशन के ऊपर। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे कि एजुकेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, लाइक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपने सुना था कि 4 ईयर का जो है वो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम बनाया जाएगा, कि 4 ईयर जो है वो ग्रेजुएशन कोर्स 4 ईयर में कंप्लीट होगा। बट फिर एक दूसरी पॉलिटिकल सोसाइटी आई तो उसने पॉलिटिकल जो भी अलग गवर्नमेंट आई उसने इस डिसीज़न को चेंज कर दिया। तो एजुकेशन पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है।
एक जो गवर्नमेंट होगी वो ये बोलेगी कि बच्चों को बिना एग्ज़ाम पास किया जाए, तो दूसरी गवर्नमेंट कुछ अलग रूल एंड रेगुलेशन बना देगी। तो एक पॉलिसी को ढंग से यहाँ पर नहीं चला जाता, गवर्नमेंट बदलती है तो पॉलिसी भी बदलती जाती है। तो वो सिर्फ गवर्नमेंट अपने फेवर में लोगों को लाने के लिए सिस्टम में रिफॉर्म करती है, ना कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा अच्छा हो उसके लिए रिफॉर्म करें। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है हमारे जो एजुकेशन है उस पर। जैसे हम देखें जो कम्युनिस्ट रिजीम थी USSR की, और जो नाजी सोशियोलॉजिस्ट थे प्रिंसिपल ऑफ जर्मनी, इन 1933 अंडर नाजी जर्मन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल वर डिज़ाइन टू मोल्ड चिल्ड्रन टू गेट देम अनक्वेश्चनिंगली एक्सेप्ट नाजी डॉक्ट्राइन इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मासेस। उनको फोर्स किया गया कि आप भी नाजी डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट करो, और उनको क्वेश्चन करने का भी वो एक जो सुविधा है वो नहीं मिली। तो ये सब पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है एजुकेशन पे पड़ता ही पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच हैज़ डीप रूटेड इम्प्लीकेशन ऑन एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी और एजुकेशन डेवलपमेंट पर भी। जो रिच सोसाइटी है जहाँ पर इलाइट क्लास पीपल रहते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन। बल्कि जो पुअर सोसाइटी है वो स्ट्रगल करती है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन ही मिले, क्वालिटी की तो हम दूर तक कोई बात ही नहीं करते। तो उनको सिर्फ एजुकेशन ही मिल जाए, इसके लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आई थिंक इकोनॉमिक इम्पैक्ट का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है एजुकेशन पर, और रिलीजियस कंडीशंस की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लाइक रिलीजियस आइडियाज़ और बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल पैटर्न को। दो सोसाइटी विच होल्ड फैनेटिक रिलीजियस बिलीव्स प्लान देयर एजुकेशन इन देयर वे एंड ऑल्सो डिनाई फ्री थिंकिंग लिबरल एटीट्यूड टू इनकलकेट इन देयर चिल्ड्रन। बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो स्कूल होते हैं वहाँ पर, लाइक कोई हिंदू सोसाइटी है उसके अंदर जो स्कूल है उसमें बोल दिया जाता है कि इसको हिंदू जो चीज़ें हैं उनके बारे में, हिंदू जो रिलीजन है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाए। और इंस्टीट्यूट ऑफ जो फ्री थिंकिंग, लाइक जो लिबरल एटीट्यूड यानी जहाँ पर हम दूसरे के ओपिनियन को भी सुनते हैं, समझते हैं, सिर्फ अपनी बात दूसरे पर नहीं थोपते, तो वो एटीट्यूड बच्चों में आए उसकी जो है यहाँ पर जगह नहीं होती। वो सिर्फ वन वे में पढ़ाते हैं, और जो भी उनका रिलीजन है उसी के बारे में जो है वो ज़्यादा बताया जाता है, उसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो सोसाइटी बिलीव करती है फ्री थिंकिंग में, लिबरल एटीट्यूड में, वो जो है वो इनकलकेट करवाती है बच्चों में प्रॉपर एजुकेशन ऑन सेक्युलर और लिबरल नेचर, ताकि उनका लिबरल नेचर हो, दूसरे के ओपिनियन को समझे, और सेक्युलर यानी कि वो ये समझे कि कोई एक रिलीजन जो है वो दूसरे पर डोमिनेट नहीं कर सकता, सभी जो है वो इक्वल है, और वो समझे कि लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सोशल चेंज की बात करें तो सोसाइटी जो है वो डायनामिक होती है नेचर में, यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं टाइम के टाइम, कुछ टाइम कुछ चीज़ें चली आ रही है, फिर टाइम के साथ वो बदलती रहती है। इसमें सोसाइटी के जो आइडियल्स एटीट्यूड है वैल्यूज है पीपल के भी चेंज होती रहती है। अगर हम प्रोग्रेसिव चेंज यानी एक अच्छा चेंज जब सोसाइटी के अंदर आता है, तो जो कम्युनिटी के अंदर जो स्ट्रेंज कस्टम है सच एज बारबेरिज्म और अडोप्टिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म सिविलाइजेशन, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों के अंदर आती है और सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्रेसिव चेंज आता है। बट अगर वो डिग्रेसिव चेंज आ जाए, तो एक अच्छी बनी बनाई सिविलाइज सोसाइटी भी एक ईविल सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकती है, और फिर इसकी एग्जिस्टेंस को भी ये काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आगे इनके बच्चे भी प्रॉपर उनको जो है वो उनकी आइडियोलॉजी नहीं बनती, और वो एक ईविल सोशल ईविल बन जाते हैं धीरे धीरे। अगर सोशल ईविल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में वो भी इसका जो है वो सोशल इविल में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये होता है एक डिग्रेसिव चेंज में, जब सोसाइटी के अंदर एक डिग्रेसिव चेंज आता है। सोशल इविल्स लाइक डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीज़ें आजकल भी बहुत सारी सोसाइटी है जहाँ पर ये चलता आ रहा है, और वो एक डिग्रेसिव चेंज है। वहाँ के सिविलाइज्ड जो लोग हैं वो भी जो है वो इस चीज़ में फंसते चले जाते हैं लगातार, क्योंकि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर। अब इन्फ्लुएंस करें सोशल आइडियाज़ की और आइडियल्स की, तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी हैव इट्स ओन अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोसाइटी का, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है एजुकेशन पर, ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इन अ सोसाइटी जहाँ पर ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन उनको ही सुप्रीम माना जाता है, एजुकेशन को जो है वो प्लान किया जाता है ओल्ड ट्रेडिशनल वेज से, और ट्रेडिशनल जो आइडियाज़ वैल्यू चली आ रही है, जो ओल्ड थिंकिंग है लोगों की वही वहाँ पर चली जा रही है, तो उसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करें प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज, तो जो
हर एक सोसाइटी, उसके अपने कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, तो वो उस पर प्राइड महसूस करती है, गर्व महसूस करते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो एजुकेशन है वो स्ट्राइव टू प्रिजर्व द सोशल एंड कल्चर हेरिटेज, एजुकेशन भी ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि उनकी सोशल और कल्चर हेरिटेज बनी रहे, जिस पर वो गर्व करते हैं, और जो हमारा कल्चर है उस पर भी, उसकी भी ग्लोरी बनी रहे, बच्चों में वो वैल्यूज़ जो है वो डेवलप हो और एक प्रोग्रेसिव चेंज आए सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पंजाबी बुक्स है उनमें फेस्टिवल्स को लेकर जो है वो लेसन्स जो है वो रखे गए हैं, लाइक जो इंडियन फेस्टिवल है, ताकि जो बच्चे पढ़े तो वो हमारे इंडियन फेस्टिवल, उनकी हिस्ट्री, ये क्यों मनाए जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझे आजकल के टाइम में। तो इससे क्या होगा, कल्चर की ग्लोरी बनी रहेगी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कल्चर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें, तो एजुकेशन स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द पीपल, डेवलपिंग सिविक सेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड राइट्स। एजुकेशन जो है वो बच्चों के अंदर काफ़ी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, ये सारी वैल्यूज़ को डेवलप कर देती है, और वो समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो जैसे उनकी जो वोटिंग राइट है उसका भी प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है, और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी उन्हें अवेयरनेस होने लगती है, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, देश के युवा तभी जो है वो बाहर आते हैं। अगर उनकी प्रॉपर उन्हें एजुकेशन मिलती है तो वो गलत को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके लिए जो है वो आगे आते हैं, आंदोलन करते हैं। न्यूज़ में भी हम कई बार देखते हैं, लाइक करप्शन के अगेंस्ट कोई आंदोलन हुआ, तो वो चीज़ जो चीज़ें गलत है, जो हमारी सोसाइटी को बिगाड़ रही है, हमारे जो कल्चर है उसके लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के जो डेवलपमेंट है उसके लिए ठीक नहीं है, तो जो है वो युवा जो लोग हैं वो उसके लिए आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग देती है लर्नर को, जो कि हेल्प करते हैं आगे, उन्हें स्किल्स मिलती है, इससे आगे वो कोई भी वर्क कर सकते हैं, अपनी आजीविका जो है वो चला सकते हैं। विदाउट एजुकेशन एक जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाती है, यानी इकोनॉमिकली वो पीछे चली जाती है। अगर अनपढ़ व्यक्ति है और उसके बच्चे भी अनपढ़ है तो कहाँ तक, कहीं उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी और कहीं वो इतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है एजुकेटेड लोगों की, स्किलफुल लोगों की। वो लोग जो अनपढ़ रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो सोसाइटी में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाते हैं, उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सोशल रिफॉर्म की बात करें तो एक कंटिन्यूस मैनर में चलते रहते हैं। एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम समझें, और कैसे कैसे हम ये जो सोशल इविल्स है, लाइक डाउरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बहुत सारे इविल्स हैं, उनको हम कैसे रिमूव करें, और डिज़ायरेबल चेंज, जो चेंजेस हम सोसाइटी के अंदर चाहते हैं, जहाँ पर लोगों का ओपन माइंड सेट हो, सारे लोग स्किलफुल हो, तो वो जो डिज़ायरेबल चेंज है उसको लाने का काम भी एजुकेशन कर सकती है। अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग, इसके अंदर आता है एजुकेशन जो है वो वर्क करती है लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस को डेवलप करने में, डिज़ायरेबल और एक्सेप्टेबल सोशल एटीट्यूड उनके अंदर आए, उनकी वो ओपन ब्रॉड माइंडेड लोग जो है वो डेवलप हो, स्किलफुल लोग जो है वो बने, और पीपल को सर्विस ओरिएंटेड और सोशल माइंडेड ये बनाती है। सोशलाइजेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, हम जहाँ पर नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो एजुकेशन जो है वो सोशलाइज करते हैं लर्नर्स को कि उनके अंदर क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, कौन कौन से आइडियल्स को सोसाइटी के उन्हें फॉलो करना चाहिए, जिनका वो काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है, और सोसाइटी के अंदर ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, हर चीज़ स्टेबल एक फॉर्म में हो, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो चेंजिंग इन सोसाइटी ब्रिंग्स चेंजिंग इन एजुकेशन, दैट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। तो एंशिएंट सोसाइटी में क्या होता था, रिलीजन को काफ़ी सोसाइटी के अंदर वैल्यू दी जाती थी, तो कैरेक्टर, एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, तो ये सब डेवलप करना पड़ता था एक कम्युनिटी में रहने के लिए। बट जो मॉडर्न सोसाइटी है ये एक पावरफुल रोल प्ले करती है, आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर साइंस का काफ़ी पावरफुल, पहले अगर रिलीजन पर फोकस किया जा रहा था तो आजकल साइंस पर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों के जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस पर फोकस करता है कि लोगों के अंदर जो है वो थिंकिंग डेवलप हो, रीजनिंग पावर डेवलपमेंट हो, जजमेंट जो है वो डेवलपमेंट हो, वो आसानी से समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, चीज़ों उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, और चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट वो आसानी से देख सके। डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर फ्रीडम हो, अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी हो, और इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो, तो एजुकेशन जो है वो ऐसी ही होती है, ऐसे ही बनाई गई है ताकि ये प्रिंसिपल्स जो है वो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो, और बच्चों के अंदर इनका डेवलपमेंट हो, और बाद में एक ऐसी ही सोसाइटी बन के निकले।
मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर फोकस किया जाता है मटेरियल वेलफेयर पर, एफ्लुएंस पर। तो जो एजुकेशनल एक्टिविटी है वो इसी तरह प्लान की जाती है टू डेवलप एबिलिटीज इन इंडिविजुअल दैट मेक देम मोर प्रोडक्टिव, ताकि वो अपनी स्किल से खुद से जो है वो पैसा कमा सके और अपने किसी पर जो है वो डिपेंडेंट ना रहे। तो ये भी एजुकेशन मटेरियलिस्टिक सोसाइटी को भी फॉर्म करने में हेल्प करती है। अब बात करें हम फंक्शन ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, तो जो एजुकेशन है वो इस्टेब्लिश करती है गुड लाइब्रेरी को, और जो है वो जो एकेडमिक और कल्चरल एजुकेशन है उसके प्रोविजंस जो फॉर्म करना, एडल्ट एजुकेशन के प्रोविजंस को फॉर्म करना, डिग्निटी ऑफ लेबर को इस्टेब्लिश करना, क्रिएशन ऑफ मॉरल एटमोसफेयर, ये सब जो है वो एजुकेशन सोसाइटी मिलकर कर देती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल फॉर ऑल, प्रोविजन ऑफ गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें ये दोनों जब मिलकर करते हैं तभी ये चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।